गुरुग्राम के सेक्टर 9 में एक बार फिर दहेज को लेकर हेमलता की क्रूरता से हत्या करने का मामला सामने आया है। हेमलता की शादी दिल्ली के रहने वाले मनीष के साथ 2013 में हुई थी, जिसके बाद से ही परिजनों का आरोप है कि मनीष हेमलता को लगातार दहेज को लेकर तंग किया करता था। 30 अप्रैल 2019 को हेमलता की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप हेमलता के परिजनों ने मनीष के परिवार वालों पर लगाया था। परिजनों का कहना है कि शादी के दौरान अपनी हैसियत के हिसाब से सारा दहेज दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके परिवार वाले और मनीष हेमलता को काफी तंग किया करते थे। बार बार दहेज की डिमांड को लेकर हेमलता के साथ मारपीट किया करते थे। आखिरकार दहेज के लोभियों ने हेमलता की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। बाकी बचे 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। हेमलता के परिजन गुरुग्राम के खांडसा गांव में रहते हैं और मनीष और हेमलता शादी के बाद सेक्टर 9 गुरुग्राम में रहते थे। फिलहाल हेमलता के परिजन गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे, जहां पर पुलिस ने परिजनों का आश्वासन दिया कि बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी भी जांच के बाद जल्द की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर मुख्य आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बचे आरोपियों के खिलाफ गहनता से तफ्तीश की जा रही है। आए थे 25 दिन पहले, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि डीसीपी आपकी जांच दोबारा और अच्छी तरीके से करेंगे, पर आज तक ना कोई हमारे पास आया है, ना कुछ है, और ना हमें कोई न्यायिक जांच है और ना कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें। कब का मामला है ये मामला? 30 अप्रैल 2019 का, ये 2 महीने पहले का है, 30 अप्रैल 2019 का। तो 30 अप्रैल को ये वारदात हुई थी। क्या वारदात हुई थी? वारदात इन्होंने मर्डर कर दिया था मेरी बहन का, जो कि मुझे बाद में पता लगा कि इन्होंने कर दिया। उसके बाद गिरफ्तारी एक ही शख्स की हुई है, जो कि उसका हस्बैंड था, बहन का हस्बैंड था, और उनके परिवार वाले पुलिस प्रशासन पे कैसे भी करके, पैसों से या किसी भी तरीके से करके, और हमें न्याय नहीं लेने दे रहे हैं और ना कोई गिरफ्तारी हो रही है। क्या करता था और कितने बच्चे थे? बच्चे उनके कोई नहीं थे, उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, परंतु वो उसमें ESI में जॉब करता था। पहले सेक्टर 9A में था, फिर वो फरीदाबाद में जॉब कर रहा था अभी पिछले एक साल से। क्या नाम है? क्या उनका नाम? मनीष है, मनीष लाकड़ा, गांव मुंडका। क्या आपकी बहन ने पहले ऐसा कुछ बताया था कि रेप उनको दहेज के लिए कहा जा रहा है? हाँ, उन्होंने हम काफ़ी बार, 2-3 बार, 4-5 बार हम बीच में गए थे, और उसी दौरान हमने ये अपना सबूत भी इकट्ठा करा था। कल ने कोई कुछ बात हो जाती है, हमने उन्हें समझाया कि आप हमें, हमारी लड़की को ठीक तरह रखो। हमारे जो बीच में शादी करवाने वाले थे वे भी गए थे, हमारे रिश्तेदार 2-4 वे भी गए थे समझाने कि इनको ठीक तरह रखो, आराम से रखो, परंतु वो दहेज की भावना और उनकी बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन। कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया? मामला 6 लोगों के खिलाफ है, जिसमें से सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। कौन कौन लोग हैं? लोग उनके ताऊ जयनारायण है, और उनकी ताई है निर्मला देवी, और उसकी माँ बाप धर्मवीर और गुलाब है, और उसका भाई किरसन है। क्या आप पुलिस का कह रही है? आपसे पुलिस आश्वासन दे देती है, पिछली बार भी आए थे, आश्वासन दे दिया कि DCP वेस्ट को कर देंगे, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, उनके प्रति कोई उसका पुलिस का वो नहीं है। आज आप किससे मिलने आए हो? आज हम कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव से मिलने आए हैं, और दोबारा मिलने आए हैं, आज देखते हैं क्या आश्वासन देते हैं। क्या आपको कोई धमकी दी जा रही है उनकी तरफ से? अभी हाल फिलहाल कोई धमकी नहीं है, ना कोई हमारा कोई संपर्क उनसे, और ऐसा कुछ नहीं है, अभी धमकी का कोई ऐसा नहीं है। अगर आपकी बात अगर अब भी नहीं सुनी जाती तो फिर क्या करेंगे आप? हम अपना और पुरजोर तरीके से ग्रामवासियों के साथ, ये हमारे समस्त गांव के जो बड़े बुजुर्ग, जो हमारे प्रधान जी हैं और गांव के सारे बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं, इनके साथ हम अपना जहां तक भी न्याय मिलेगा वहां तक हम चलेंगे, और अपनी गुड़िया को न्याय दिलवा के रहेंगे। सेक्टर 9 का मामला था, जिसमें दहेज हत्या का मामला था। गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन सेक्टर 9A में 30 अप्रैल 2019 को एक 302, 304B और 34 IPC के अंतर्गत मामला, जो केस है वो दर्ज हुआ था, जिसमें जो मुख्य आरोपी है मनीष सनोफ धर्मवीर, जो गांव मुंडका दिल्ली का रहने वाला है, उसको पुलिस ने 1 मई 2019 को गिरफ्तार कर लिया है। आज जो इसके परिजन हैं वो यहां पुलिस मुख्यालय में जो है ना मिलने आए थे, और जो CP ऑफिस में इन्होंने अपनी वो रखी थी, तो उसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर रूप में चल रहा है। सर, कितने आरोपी बनाए गए थे? और इसमें जो आरोपी हैं वो कुल मिलाकर के 7 आरोपियों के विरुद्ध जो है ना ये मामला दर्ज हुआ था, और जो इसकी जांच है, जो फेयर इन्वेस्टिगेशन